तरंगों को समझने के लिए ये बिल्कुल विलक्षण मॉडल है। इसके लिए आपको ढेरों स्ट्रॉ और थोड़ा सा टेप लगेगा। एक 3 मीटर लंबा टेप लें और उसको फर्श पे बिछाएं जिससे कि चिपकी वाली तरफ ऊपर हो। फिर स्ट्रॉज के बीचों बीच निशान लगाएं और 2-2 सेंटीमीटर पे स्ट्रॉ चिपकाते रहें। इस तरह से 80-90 स्ट्रॉ चिपकाएं। सबके बीच की दूरी 1 बराबर 2 सेंटीमीटर की हो। और इन स्ट्रॉ को चिपकाने के बाद में टेप को वापस लें, एकदम टेप डबल करें। इस बार आप देखेंगे कि टेप का जो चिपका वाला हिस्सा है वो नीचे की ओर है और स्ट्रॉज, सारी स्ट्रॉज दोनों टेप्स के बीच में एकदम सैंडविच हो जाती हैं, एकदम अच्छी तरह से जुड़ जाती हैं। और उसके बाद में लगभग थोड़ा सा टेप छोड़ दें पकड़ने के लिए और फिर टेप को काट दें। अब आपका स्ट्रॉ का जो तरंग मॉडल है, वेव मॉडल है, वो लगभग तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लड़की इसको उठाए है मॉडल को। एक मित्र से कहें कि एक छोर को पकड़े और आप दूसरे छोर से एक थोड़ा सा एक जर्क दें तो आप देखेंगे कि उधर से एक उत्तर वापस आता है। एक इंसिडेंट रे एक रिफ्लेक्टेड रे को जनरेट करती है। अगर आप थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे तो रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, उसको टाइट पकड़ेंगे तो रफ्तार तेज़ हो जाएगी। आप चाहें तो दोनों तरफ से ट्विस्ट दें, अलबेट दें, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर बिल्कुल एक तरंग जैसा, एक वेव जैसा, जिसमें निचली ट्रफ्स होंगी, क्रेस्ट होंगी, एक वेवलेंथ होगी और एक फ्रीक्वेंसी, एक आवृत्ति। इसमें भी अगर आप एक तरफ जर्क देंगे तो दूसरी तरफ से एक उत्तर वापस आएगा, जैसे कि ऊर्जा का ट्रांसमिशन हो रहा हो।